टीवी का चर्च सीरियल क्राइम पेट्रोल लोगों को आगाह करता है और सचेत करता है, लेकिन कुछ लोग इसी सीरियल के जरिए अपराध के आइडिया खोज लेते हैं। सारी हत्या करने के जो तरीके थे और इस चाक को छुपाने का जो तरीका था, क्राइम पेट्रोल देखने का आदि था, उससे भी इसे बहुत सारी चीज सीखने को मिली। जसपुर में क्राइम पेट्रोल देख करके एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली, और वो भी बड़े ही विभत्स तरीके से। लेकिन पुलिस ने 5 दिन के भीतर ही इस मामले का पटाक्षेप कर दिया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। क्राइम पेट्रोल सीरियल के बारे में आप भली भांति जानते होंगे अगर आप टीवी देखते हैं तो। ये टीवी का बड़ा ही चर्चित सीरियल है जो कि अपराधों के बारे में बताता है कि किस तरीके से अपराध किए जाते हैं और किस तरीके से पुलिस उनको पकड़ती है। लेकिन कुछ लोग जो है इसी सीरियल के जरिए अपराध के आइडिया ढूंढ रहे हैं और बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जसपुर में कुछ इसी तरह का मामला हुआ जिसमें जो अपराध किया गया है उसका आइडिया क्राइम पेट्रोल से लिया गया था। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला दरअसल है क्या। दरअसल जो जसपुर जिला है उसमें एक कुनकुरी तपकरा रोड है, वहाँ एक टोली गांव है, उसके जंगल में 12 सितंबर को एक बॉडी मिलती है। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका सिर नहीं है। जब ये सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, और पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद जब आसपास छानबीन की जाती है तो करीब 50 मीटर की दूरी पर जो है एक सिर भी मिल जाता है। इसकी सूचना जसपुर के SP शशि मोहन सिंह को दी जाती है। इसके बाद जो है SP 4-5 टीमें गठित करते हैं पूरे मामले की जांच के लिए। एक FSM की टीम को बनाया जाता है जो मौके पर जाकर के साक्षी जुटाती है। साइबर टीम को एक्टिवेट किया जाता है युवक की पता साजी करने के लिए कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, उसकी शनाख्त के लिए भी एक टीम बनाई जाती है और कार्रवाई शुरू होती है। पुलिस को एक सुराग मिलता है कि मृतक के हाथ पर जो है अभी लिखा हुआ है ABHI अभी, और उसके जो सिर का पार्ट है उस पर भी कुछ उसको निशान मिलते हैं। इसके आधार पर पुलिस जो है मुखबिरों को एक्टिवेट करती है, और इसके अलावा पड़ोसी राज्य उड़ीसा और झारखंड में भी उसकी मृतक की फ़ोटो को भेजा जाता है ताकि उसकी शनाख्त हो सके। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि बरजोर डूमर टोली गांव के, जो कि कांसाबेल थाना क्षेत्र में आता है, वहां रहने वाले एक अभिषेक लकड़ा से मिलते जुलते हैं, यानी उसके हाथ पर जो लिखा हुआ है अभी वो अभिषेक लकड़ा के हाथ पर भी लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस जो है अभिषेक के पिता और उसकी पत्नी को बुलाती है और पूछताछ करती है कि अभिषेक लकड़ा है कहाँ। तो पुलिस को पता चलता है कि अभिषेक लकड़ा कई दिनों से गायब है। इसके बाद उसकी अभिषेक के पिता और पत्नी को पोस्टमार्टम हाउस लेकर के जाया जाता है और उससे वहाँ जो बॉडी रखी हुई है जो कि सिर कटी हुई है उसको दिखाया जाता है। जब बॉडी को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि वही अभिषेक लकड़ा है। इसके बाद पूछताछ आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि अभिषेक लकड़ा का उसके मौसेरे भाई से 2 रोज पहले विवाद हुआ था, और उस विवाद के बाद से ही जो है अभिषेक लकड़ा गायब है। इसके बाद पुलिस जो है पड़ोस में रहने वाले अभिषेक के मौसेरे भाई अभय एक्का को गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, और उसके साथ संदीप एक्का जो कि अभय का ही भाई है उसको भी गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, और निर्दोष तिर्की जो कि उनका पड़ोसी है उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ करती है। और जब हिरासत में लेकर के पूछताछ करती है तो एक बड़ा खुलासा होता है अभिषेक लकड़ा के बारे में। अभय एक्का जो कि उसका मौसेरा भाई है वो बताता है कि 10 तारीख की रात में अभिषेक लकड़ा उसके घर आया था और शराब के नशे में था। वो विवाद कर रहा था और विवाद के बाद जो है वो कई बार ऐसा कर चुका था, विवाद और लोगों से मारपीट करता था। तो जब 10 तारीख की रात में वो आया तो मारपीट हुई, और इस मारपीट में अभिषेक लकड़ा के पैर में चोट लगी और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। इस फ्रैक्चर के बाद जो है लोग डर गए कि इसको अगर अस्पताल लेकर के जाएंगे तो हो सकता है कि पुलिस का केस बने। इसी डर में वो एक आइडिया सोचते हैं और अभय एक्का अपने भाई जो कि संदीप एक्का है उससे और अपने पड़ोसी निर्दोष तिर्की से और खुद अभिषेक लकड़ा के भाई अनूप लकड़ा से बातचीत करते हैं, और ये कहते हैं कि ये बार बार हमको परेशान करता है, क्यों ना इसका खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो तीनों योजना बनाते हैं कि इसको हम जो है रास्ते से हटा देते हैं। आप देखिए कि 10 सितंबर को मारपीट होती है रात में और पूरे दिन वो उसके घर में रहता है अभिषेक लकड़ा, और 11 तारीख की 2 बजे
सभी जो है अब इसे लकड़ा को लेकर के निकलते हैं और जंगल में ले जा करके जो कि जिस जो घटना स्थल है वहाँ ले जा करके उसको नाइलॉन की रस्सी से उसके गर्दन से पकड़ करके बांध करके उसको घसीट करके नीचे गिराते हैं और जंगल में ले जा करके उसका गला घोंट देते हैं। गला घोंटने के बाद जो है अब इसे एक लकड़ा का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है और इसके बाद दोनों की बॉडी को अलग अलग करने की कोशिश की जाती है। तीनों लोग जो है अभिषेक लकड़ा के धड़ को जो है जंगल की ओर और अंदर खींच करके ले जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम रात को 2 बजे से शुरू होता है और जब वो अंदर जंगल के अंदर और घसीट करके ले जाते हैं इसके बाद वो उसके सिर को लेने के लिए आते हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण सिर का वो भूल जाते हैं कि उसका सिर आखिर उन्होंने कहाँ अलग करके रखा था। लेकिन इसी बीच जो है रोशनी होने लगती है, उजाला होने लगता है, तो सभी लोग भाग करके जो है घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सभी लोग उसके परिवार वालों को बताते हैं, वापस लौट करके चारों लोग घर में ये बताते हैं कि अभिषेक लकड़ा अपने पिता के पास उदयपुर चला गया है क्योंकि उसके पिता उदयपुर में ही रहते हैं। पूरे घटनाक्रम के बाद जो है ये मामला शांत पड़ जाता है, लेकिन 12 तारीख को जब बॉडी मिलती है, पुलिस शिनाख्त करती है, तब इस घटनाक्रम का पटाक्षेप होता है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभिषेक लकड़ा के मौसेरे भाई अभय एक का, संदीप एक का, निर्दोष तिर्की जो कि पड़ोसी है उनका, और अभिषेक लकड़ा के सगे भाई अनूप लकड़ा को गिरफ्तार कर चुकी है। दिनांक 12 को श्री टोली कुनकुरी थाना क्षेत्र के जंगल में एक सिर कटी लाश मिली। इस लाश की चूंकि शिनाख्त नहीं हो पा रही थी और इस लाश के हाथ पर एक टैटू था जिसमें अभी लिखा हुआ था। इस आधार पर हमने इश्तेहार जारी किया और व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रसारित किया। हमें 2 दिन के बाद सूचना मिली कि ग्राम बरजोर का ये निवासी है मृतक अभिषेक लकड़ा, और इसके बाद हमारी एक पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, और पुलिस की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन करते रही। अंततः पुलिस ने 4 आरोपियों को इस हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया और हत्या में प्रयुक्त इनके पास से मारुति वैन, हथियार, चाकू, रस्सी आदि सामान को बरामद किया गया, जब्ती की गई और इनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। और पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसके हिसाब से इसका जो मुख्य आरोपी है अभय, ये क्राइम पेट्रोल देखने का आदि था और क्राइम पेट्रोल देख कर ये इस तरीके की हत्या करने का प्लान बनाया, इसमें अन्य लोगों को भी शामिल किया। और चूंकि ये दोनों मौसेरे भाई थे और इन लोगों के बीच में ज़मीन का विवाद भी था और ये लगातार मृतक शराब पीकर कथित रूप से इनके साथ मारपीट भी करता था, इन वजहों से इन लोगों ने प्लान करके हत्या वाले दिन इन्हें मारुति वैन में ले गए इलाज के नाम पे, और रात में जंगल के पास गए, वहाँ पर इसके गले में रस्सी डाली, रस्सी डाल के इसका गला घोटा, गला घोटने के बाद चाकू से इसके गले को काट के अलग किया। और इसकी प्लानिंग थी कि इसे इसकी गर्दन को कहीं पे छुपा दिया जाएगा और सिर को छुपा दिया जाएगा, लेकिन जब ये धड़ को वहाँ से हटा रहा था लेकिन गर्दन को जब ये ढूंढने के लिए आया, 1 घंटे तक लगातार ढूंढने के बाद भी इसे गर्दन नहीं मिला, तब तक सुबह हो गई और ये डर गया। इसके बाद वहाँ से आए इन लोगों ने, मारुति वैन में लगा हुआ जो ब्लड था उसको इन लोगों ने फिनाइल से साफ किया और आरोपी फरार हो गया। अंततः पुलिस को सफलता मिली, इन्हें संबंधित धारा का अपराध पंजीबद्ध करके इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से क्राइम पेट्रोल देख करके एक बड़े अपराध को अंजाम दिया गया जिसमें मृतक का सगा भाई और मौसेरा भाई शामिल है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए और तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक, तीरंदाज।